और वहाँ का डॉक्टर हाशिम है। हाशिम की माँ का ऐसी की तैसी। सिपाही साना ने क्या कहा कि हमारे बाबा शक्ति में बहुत बड़ी बड़ी खूबियां है, और इतना ही नहीं बाबा को खुश बाबा का रूप भी मिल सकता है। सिपाही मौका बहुत अच्छा है, इसलिए क्यों ना हम बाबा को खुश करके बाबा का रूप अब लेते। शिवाई जब मैं सवेरे के घर गया था, सवेरे का जीता हुआ इनाम सवेरे की माँ को देने के लिए, और जब सवेरे की माँ को देखा क्या हसीन थी रे, और सुनाए अम्मा का अच्छा ही क्या हम बाबा को खोज करके और बाबा का रूप ले लेते हैं। आज ये बाबा का रूप मिल गया हो तो मैं सपेरे के घर जाऊंगा उसके अम्मा के पास। आज हम अपने दिल के अरमान को पूर्ण करेंगे। नहीं शिवाजी, अब मैं ऐसे गया हूँ और वहां पकड़ा गया, लोग यही कहेंगे कि मंत्री शमशेर सिंह। आज बाबा का रूप मिल गया और वहां गया पकड़ा गया तो यही लोग कहेंगे कि ये बाबा शक्ति है। बाबा शक्ति को खुश करके और बाबा का रूप लेते हैं। देखो सारे दोखी का, अब यही बच्चा कहा कहे प्यार करना जुर्म है और जुर्म की सजा मौत है। ये कहा था तो गंगा जल छीन कर जा, वही बिहार की गरीबों करे तो हो जाए बराबर करे तो कौन बात है नहीं। लेकिन एक बात है, खेल का नाम जैसी करनी वैसी भरनी, तो सारे जैसा कर्म करोगे तुमको फल वैसा मैं दूंगा। तुम देखो बाबा शक्ति के लाए तो हम हूँ जाप बाबा शक्ति लाए, तुम बाबा शक्ति से बाबा शक्ति के रूप मांगे हो तो हम तुम्हारे रिश्तेदार के रूप मांगा। अगर ये बाबा शक्ति के रूप पाएंगे तो बाबा शक्ति के रूप लेके सपेरा के घर गई है, और हम अगर इनके रिश्तेदार से रूप पा गए तो इनके घर जाओ। गंगा का तो हम आज इनके घर में छीछा लिए डरे है, जो नहीं भवा वही हो साले हराम खून, सब तुम करियो तो हम हूँ कर करो आज हम सीखा और भगवान है आज आफत हो पकड़ा। बाबा बचाओ बचाओ बाबा बचाओ। डाकू शागा बाबा सवेरे की जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए मुझे आपके रूप की जरूरत है। वो तुम्हारा लाल है फौरन छुड़ा लेना, वो नारी जो है वेदना बेटा तेरी अर्धांगनी, सांगा दिया वरदान पहला है सती वो पावन। और बाबा जी मुझे दूसरा वरदान कब दोगे? पहाड़गढ़ की हुकूमत तेरे मिलने के बिल्कुल करीब है,
और दुश्मन तेरा मंत्री है। और याद रखना, जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे, उस वक्त मैं ही आकर के तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान भी रखना। फौरन प्रस्थान को यहाँ बाबा शक्ति की ही जय हो। बाबा शक्ति की जय हो। ये क्या हो गया? ये तो अलग हो गया। मैं पूजा कर रहा था और बिल्कुल पूजा में लीन था, समझ नहीं सका। सांगर की जगह किसी दूसरे पापी को मैंने अपने रूप का वरदान दे दिया। आखिर वो मेरा रूप लेकर के क्या करेगा? अब क्या होगा? जा पापी जा, तूने धोखा देकर के मेरे रूप का वरदान दे दिया। अब तक तू तो रूप ले ही लिया है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस फल के लिए तूने इच्छा करके मुझसे मेरा रूप ले लिया है, फल की इच्छा करेगा, लेकिन तेरी आशाएं सारी विफल हो जाएगी। तू अपने काम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। ये मेरा दिया हुआ श्राप है और तेरे लिए सदैव के लिए अटल होगा। दीपक ज्योति पतंग जले, पर दीप न प्रीत पतंग की मानी। धन की चाह धनेर करे दर्जन, सुन बोलत मोर है वाणी। और प्रीत के रीत निभाने कठिन, पर प्रीत न करियो भूल के जाने। अब इस करीब में व्यापार करना ठीक नहीं है। मैंने 11,000 बार इस तोले का ट्रांसफर किया अपने इच्छाओं के अंतर, लेकिन ये कलयुग में वो आभास दिला रहा है कि दोबारा अवतार नहीं लूंगा। घोर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इंसान होकर के इंसान को ही अपना निवारा बना रहा है। आदमी की आत्मीयता खत्म हो गई है। इंसान अपनी इंसानियत को खो बैठा है। क्या बताऊं, बाबा जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को लाने जा रहा, लेकिन ना तो बाबा जी है ना तो मेरा बेटा सबेरा है। और ना कि अभी तक तेरा बेटा ना भेजा भेजा शिष्य आया है और ना ही सपेरा आया है। भेजरा खबराओ नहीं, आज हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आए। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सुने मेरी बात को। आज की रात खुशियाँ मैं
प्यार होता गुरु का तो ही बिना आज की रात खुशियां दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है।
अपने आप को बाबा शक्ति कहता है। शायद ही रहता है कि किस लिए मैंने इसे अपनी कुटिया में रखा है।